से राधू कहाँ? अच्छा वहाँ से बेटे कैमरा ओपन है। यानी कहाँ हुआ इस कार का एक्सीडेंट भाई? बहुत ही डेंजर एक्सीडेंट हो रखा है भाई साहब। अभी का ये 1.5 साल हो रहे अभी नहीं। गुड इवनिंग फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। और आई होप सब अच्छे होंगे फैमिली। और भाई जैसे कि पहले गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। और मैंने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले गाड़ी साफ़ की है पॉलिश से, और मेरा पॉलिश भी हो गया है ख़त्म। पहले तो इसका चेन टाइट करवाते हैं। जैसे कि आप सभी को ही पता है इसका अब चेन सेट 95% डैमेज हो चुका है, मतलब पूरा ख़राब हो चुका है। तो चेन सेट इतना काम नहीं कर रहा है, तो बार बार जैसे हो रहा है ना, एक राइड जैसे लोकल जैसे एक बार जैसे चेन टाइट करवा दी, फिर उसके बाद जैसे हल्की सी जैसे गाड़ी चल रही है ना, तो चेन ना ढीली हो जा रही है, जैसे उस पर जोर पड़ रहा है ना, जैसे मैं एक्सलेटर खींच के गाड़ी भगा रहा हूँ जैसे बूँ बूँ, तो पूरा चेन बहुत जल्दी ढीला हो जा रहा है। क्योंकि अब उसके जो कांटे होते हैं ना, जो गरारी होती है, मतलब चैन क्या बोलते हैं उसको, चैन का जो पॉकेट होता है, जो भी होता है वो, मतलब है ना वो। प्रिया ट्यूशन से राधू कहाँ? अच्छा वहाँ से बेटा कैमरा ओपन है। तो ये प्रिया है, जहाँ हम रेंट पर रहते हैं ना, उन भाभी की बेटी है। सो चलते हैं भाई। भाई मैंने 3-4 दिन से मैंने व्लॉग्स नहीं बनाया यार, क्योंकि बीच में सर भी बहुत दर्द हो रहा था और घर के काम इतने हो जाते हैं ना सही में, फैमिली इधर उधर के, अरे बच्चा बाटी बहुत हो जाते हैं यार। अभी जैसे सावन का महीना चल रहा है ना, तो आज आप सभी को पता है कि आज सेकंड वाला सावन था, मतलब दूसरा सावन है ना, तो अभी 3 सावन और है। 3 बारी मम्मी के साथ और जाना है शिवलिंग में। तो आज भी गए थे वहाँ नीचे, गए थे हमारे इधर साइड पड़ता है ना, कौड़िया साइड पड़ता है संतोषी माता मंदिर। फर्स्ट वाले सोमवार को तो हम ये देव मंदिर वाले शिवलिंग में गए थे, अरे बस वाले भैया। और अब की बार मम्मी को वहाँ ले गया था मैं, किधर, ये जो संतोषी माता मंदिर है, तो वहाँ कीर्तन वगैरह हो रहा था। तो फिर अरे यार क्या हॉर्न मार रहा है यार ये बस वाला, माँ की कसम। पौ पौ। हू टायर पे हवा भी भरवानी यार, बहुत दिन हो गए गाड़ी पे मैंने टायर पे हवा चेक तक नहीं किया भाई। आज पहले हवा भी भरवाऊंगा मैं गाड़ी पे। चबा यहीं पर ही भराते नहीं हवा भैया, हवा हवा हवा। अभी का ये 1.5 साल हो रहे अभी नहीं। नहीं नहीं यार ना ना बेचने का नहीं, कम थी ना वा? हाँ यार नहीं, नहीं भाई मैं गाड़ी मेंटेन, भाई मैं गाड़ी मेंटेन करके रखता हूँ, कोई सी भी मैटर नहीं करता है। कितने हुए भाई? कम थी ना वा? कम नहीं, नहीं, थी। नहीं मेरे को लग रहा था ना कम है। मेरे को नहीं लग रहा था। तो भाई यहाँ पे भाई तारीफ कर रहे गाड़ी की, भाई अपनी कुकू तो आई भाई मस्त, थैंक यू भैया। अब भाई तारीफ करना भी सही है भाई, 1 घंटा लगता है भाई साफ करने में, पसीने छूट जाते हैं यहाँ गाड़ी साफ करने में, लोगों को मज़ा नहीं आता। फिर भी आप कराएंगे इसकी चेन टाइट। चलो 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 चलो। तो भाई अभी आप देख सकते हो यहाँ पे चेन अभी इतना ढीला हो रखा है मेरा, पूरी ढीली हो रही है अभी, छे काला काला बहुत ज़्यादा खत्म हो गया ना चेन सेट पूरा। हाँ दांत तो पूरे खत्म हो गए, बिल्कुल बिल्कुल भैया जल्दी करवाएंगे।
थोड़ा पैसों का लोचा है भैया, समझा करो। तो आप देख सकते हो फैमिली पूरे कांटे घिस गए हैं इसके। कोई नहीं, अभी चल रहा है भाई, जब तक चलेगा चलाएंगे। वैसे ना ये वाला तेल ना फैमिली डालना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो तेल है ना जो मैं डाल रहा हूँ इस पर, ये तेल है हमारा जो इंजन का, जो जब गाड़ी सर्विस करवाते हैं ना तो जो तेल निकलता है ना फूका हुआ, तो वो तेल इसमें यूज़ आता है। तो भैया बोल रहे थे कि इसमें जो मतलब जो ये वाला तेल डालते हैं तो इस गाड़ी में चल जाता है, मतलब इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। अब जैसे कोई इससे हैवी गाड़ी रहती है ना, जैसे MT हो गई, 390 हो गई, तो उन पर चेन ल्यूब आता है, तो उस पर ये नहीं डलता है। इन गाड़ियों में तो चल जाता है, वैसे भैया यही बोल रहे थे इन गाड़ियों में चल जाता है, तो मैं इसलिए डाल रहा हूँ। और थोड़ा इसको डाल के ना, जैसे मैंने चेन टाइट कराया ना, तो चेन टाइट कराने के बाद ना वो मज़ा नहीं आता, लगता था कि गाड़ी का पिकअप सही है, बट इसको डालने के बाद भाई जो स्मूथनेस फील होता है ना, अलग ही लेवल। अरे घूम। तो भाई अभी मैं इसको स्टार्ट इसलिए नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो ये पूरा तेल ना पीछे फेंक देगा। तो इसको रखते हैं 5-10 मिनट ऐसी। तो जी यहाँ पे अपनी चेन टाइट भी हो गई एकदम मस्त करके। और भाई अरे कहाँ रह रहे तू? तो भाई अभी देखते हैं कहाँ जाते हैं। ए बाची, तो देखते हैं अभी किधर जाते हैं। अभी एक फ्रेंड भी आ रहा है, बंदर आ रहा है एक, तो उसके साथ देखते ऊपर साइड वही वाले पुल में जाएंगे, ऊपर जो घराट का जो पुल है ना यार, उधर ही आजकल ना उधर ही अच्छा लग रहा है घूमने के लिए ना, थोड़ा सही है वहाँ पे। तो भाई ये मेरा क्या बोलते हैं, ये मेरा GoPro से लास्ट ब्लॉग होने वाला है, मतलब कि मैं अब, मेरे पास एक माउंट पड़ा है ना, वो मैंने स्टार्टिंग में मंगाया था, जिस टाइम पर मेरे पास सेटअप वगैरह कुछ था नहीं ना फैमिली, तो उस टाइम पर मैंने फ़ोन का एक माउंट होता है ना तो वो मंगाया था। तो मैं सोच रहा हूँ कि यार क्यों ना कि एक बार ही एक्सपेरिमेंट किया जाए, कि एक बारी मैं अपने जो मेरे पे फ़ोन है आईफोन ना, तो उससे मैं सोच रहा हूँ कि एक बारी उससे व्लॉग शूट किया जाए, तो देखते कैसा रहेगा। तो उसका मैं देखता हूँ कल या परसों मैं उससे शूट करूँगा, क्योंकि मेरे पे अभी माइक वगैरह उसका कुछ है नहीं ऐसा, तो देखते हैं फिर भी वॉइस वगैरह कैसी आएगी, एक बारी करके देखते हैं। अगर सही रहा तो फिर मैं उसके लिए तब मैं माइक वगैरह भी ऑर्डर कर दूँगा फिर। तो ये है भाई अपने घराट का न्यू पुल, जिसका उद्घाटन हुआ है, और यहाँ पर आप अभी भीड़ देख सकते हो किस प्रकार है, मस्त एकदम सेक्सी भीड़ भाई। यहाँ पे भीड़ इसलिए भी है ना, एक शांति और एक व्यू एक नंबर। तो दादा हम गाड़ी लगा देंगे यहाँ, यानी कहाँ हुआ इस कार का एक्सीडेंट भाई, बहुत ही डेंजर एक्सीडेंट हो रखा है भाई साहब। यहाँ हमारे कोटद्वार में तो नहीं हो रही है बारिश अभी फिलहाल, पर ऊपर साइड हो रही होगी, तो पक्का ऊपर का ही हो गए सीन शॉट। हटो अंकल जी, भाई अभी निकल रहा है भाई घर को। ओए घर जाते जाते मेरे को जूस की दुकान दिखी यहाँ पे, तो सोचा कि यार चलो यार जूस वगैरह लेके चलते हैं, और भाई काफ़ी टाइम से पीने का मन कर रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो यार मम्मा के लिए भी लेके चलते हैं और अपने के लिए भी। मम्मी और मम्मी पूजा कर रही है मम्मी जी, नाइस नाइस शाबाश। तो ये हमारा सेक है जो यहाँ पे अभी पियेंगे इसको। पहले गाड़ी में अपना मैं वो डाल देता हूँ कोई हेलमेट पहन के, जो गर्मी होती है ना अंदर, देख रहे हो पूरा सर गीला हो गया पसीने से। और यहाँ पे पता मेंढक का इतना वो हो रहा था ना, मेंढक की मेंढक रहती है यहाँ पे। पहले मैं अपनी गाड़ी में फटाफट से पहले कपड़े वगैरह रख देता हूँ, क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना ऐसे गाड़ी, इसको कपड़े पहनाना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे मैंने मस्त गाड़ी को कपड़े पहना दिए हैं, और लाइट बंद कर देता हूँ भाई थोड़ा। ओए मेंढक वे हट, भाई मेंढक इतने फुदक रहे ना यहाँ पे भाई। वो तो अच्छा हो मम्मी जी पूजा कर रही थी, नहीं तो मैं जैसे बिना हाथ मुँह धोए अंदर घुसा ना। अभी सर मम्मी पूजा कर रहे हैं, तो मैं तब तक इसको निकाल देता हूँ गिलास में मम्मी जी के लिए और अपने लिए। ओए मम्मी ने पिंजरी बना रही की, क्या बोलते हैं इसको, पंजरी पिंजरी। तो ये वाला मम्मी जी के लिए है अनार का, मैं पी लियो हाँ। और भाई ये मेरा मैंगो जूस, अबे इसकी तो पूरी आइसक्रीम गल गई। हाँ मस्त हो रहा मम्मी, अपना नहीं लाए अभी मैं केले के बर्ड तो खुला होता अभी तक बर्ड खुलेगा मतलब हां खुला अभी तभी पी नहीं सकते उसको नमक से ना अभी वो एक अंदर हम को रखना है या पिया पिया हां तो खुला है। और ना पता फैमिली अभी जैसे मैं आपको बता रहा था ना,
देख ये कहाँ गया बेल्ट, ये बेल्ट ऐसे क्यों रखा है बेल्ट? मैं पंखा खोलूं? अच्छा टीका लगा रहे हो? हो लगाओ 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 टीका लगाओ टीका लगाओ टीका लगाओ। इसको कहाँ रहते हैं? ये केला मेरे को दे दो मम्मी। केला गाय कौन सू? पूरा पानी पानी लगा रहे हो? पानी है बस लग गया। कर का लगाने दे चल दे चल सब मैंने फोन। पूरा पानी पानी लगा रहे हो तो पता ये ना ये देखो ये ना तो हम क्या करेंगे कल को। ये मैंने एक टिच माउंट मंगाया था जो ये चेस्ट पे लगता है ना, तो हम इसको क्या करेंगे कि इसको कल को खोल के ये इतना इतना इसको यहाँ पर से खोल के ना इसको मैं लगाऊंगा अपने हेलमेट पे जो गोप्रो लगा हुआ है ना वहाँ पे, तो उसको अबे इसको निकालता हूँ मैं एक सेकंड। अबे यार ये क्या आ रहा है मम्मी? टीका कैसा लगाया तूने? टीका तो ये है ना, तो हम इसको क्या करेंगे कि ना ये यहाँ से गोप्रो निकालेंगे जो ये वाला माउंट है ना, गोप्रो निकाल के और इसको लगाएंगे। और पता मेरे को ना इस चीज़ का थोड़ा डर लग रहा है, जैसे मैं पता मतलब और माउंट होता है ना फ़ोन वाला तो कैसा होता है कि ये मतलब ना जैसे यहाँ पे फ़ोन लगाते हैं ना तो आगे के लिए रहता है मतलब पूरा सपोर्ट। अब इसका नहीं, इसमें जैसे मैं फ़ोन लगाऊंगा ना तो आगे कोई सपोर्ट नहीं रहेगा पीछे के लिए, तो वो डर लग रहा है कि फ़ोन गिरे ना गिरे। बट भाई तुम्हारा भाई लगाएगा इसको, मैं कल करूँगा एकदम मतलब फ़ोन से व्लॉगिंग करेंगे कल को। तो अगर मेरे को कल अगर सही लगा मतलब पूरा व्यू वगैरह जैसा मैंने औरों का दिखा था ना वीडियोस में मतलब, तो अगर मेरे को कल सही लगा तो फिर मैं इसके लिए एक माइक भी ऑर्डर करूँगा मस्त वाला, फिर उसके बाद तक फ़ोन से बनाए करेंगे। तो भाई गर्मी हो रही है और ना आप और पता बीच में क्या हुआ कि मेरा बैटरी हो गया डाउन, क्योंकि बीच में ऊपर गए और वहाँ मेरा बैटरी डाउन हो गया, तब जाके तो मैंने मतलब बीच का कुछ भी मतलब शूट नहीं कर पाया। फिर वहाँ पे ऊपर पुल में फिर फ्रेंड्स वगैरह मिल गए थे थोड़े, तो फिर मैंने किया नहीं। और ना जैसे कि मतलब मैंने आपको अभी जैसे बताया ना कि जो माउंट है ना तो उसको कल को अटैच करेंगे, तो क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा इस वाली वीडियो में फिर, तो उसको मैं कल कंटिन्यू करूँगा क्योंकि उसका पूरा सेटअप भी कर रहे हैं उस माउंट को लगाने, क्योंकि उसका जो एक नट होता है ना तो नट है ना उसको बहुत ज़्यादा उसको प्लास से कसना पड़ेगा मेरे को तब जाके, क्योंकि गोप्रो तो लाइट है और फ़ोन बहुत भारी है मतलब ना जो अगर मैं फ़ोन लगाऊंगा इस पर। तो इसको कल को कंटिन्यू करेंगे और इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। और फैमिली आपको व्लॉग अच्छा लगे हो तो प्लीज़ यार लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और जल्दी मिलेंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।